फ्रेंड्स, दुर्गा आर्ट शाला में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक नया पैटर्न लेकर आई हूँ। देखिए, ये देखने में फ्लावर जैसा लग रहा है और डालने में बहुत ही आसान है। देखिए फ्रेंड, इसके लिए हमें फ्रेंड्स 15 के मल्टीपल फंदे चाहिए। और आइए इसे स्टार्ट करते हैं। एक एक फंदा हमने दोनों साइड में एक्स्ट्रा चाहिए। इसे स्टार्ट करने के लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पहली सिलाई हम एक फंदा हम ऐसे सीधा बनाएंगे, फिर आगे धागा करके फ्रेंड्स हम 5 फंदे उल्टे बनाएंगे। पांच फंदे उल्टे बनाकर फ्रेंड्स आगे 3 फंदों में से हम 9 फंदे बनाएंगे। 3 फंदों को एक साथ हम ऐसे सिलाई में लेकर 1 2 3 तीन फंदों को हम ऐसे सिलाई में लेकर इन 3 में से हम 9 फंदे बनाएंगे। एक एक बार हम ऐसे लपेटेंगे, फिर दोबारा उसमें से 3, फिर हम एक बार और लपेटेंगे, 4 हो गए। एक बार और हम इसमें से बुन लेंगे 5, एक बार ऐसे लपेटेंगे 6, और दोबारा हम इसमें से एक बार और लेंगे 7। अब हम एक बार और लपेटेंगे, ये हमारे 8 हो गए, और एक बार और इसमें से लेकर हम ये 9 फंदे बना लेंगे। अब इन 3 फंदों को हम नीचे उतार देंगे। अब आगे हम दोबारा 5 फंदे उल्टे बनाएंगे। देखिए 5 फंदे उल्टे बनाकर यहाँ पर फ्रेंड्स हम बीच में 2 फंदे गैप के लिए लेंगे। आप इन 2 फंदों पर कोई भी डिजाइन डाल सकते हैं, चाहे आप 2 फंदे लेना, चाहे आप 4 फंदे लेना। मैंने ये 2 फंदे लिए हैं। इसमें फ्रेंड्स मैंने ये देखिए 2 फंदे हैं, जैसे हम पहले वाला फंदा ये आगे ऐसे लेकर पीछे धागा करके हम पहले इस फंदे को बुनेंगे सीधा, फिर हम आगे वाले फंदे को ऐसे सीधा बना देंगे। और अब आगे धागा करके हम 5 फंदे फिर दोबारा उल्टे लेंगे। देखिए 5 फंदे उल्टे लेकर अब हम इन आगे के 3 फंदों में से फिर दोबारा हम 9 फंदे बनाएंगे। एक एक ऐसे लपेटेंगे, 2 3 4 5 6 7 8, और एक बार लास्ट का फिर हम इसमें से निकाल देंगे। ये हमारे 9 फंदे बन गए। फिर हम 5 फंदे उल्टे बनाएंगे। और देखिए 2 फंदे जो मैंने गैप के लिए हैं, इसके लिए मैं पीछे धागा करूंगी, और इस पीछे वाले फंदे को मैं पहले ऐसे सीधा बनाऊंगी, और फिर इस आगे वाले फंदे को भी मैं सीधा ही बनाऊंगी। अब मैं आगे धागा करके 5 फंदे फिर उल्टे बनाऊंगी। अब मैं दोबारा से वही डिजाइन रिपीट करूंगी, 5 फंदे उल्टे और 3 फंदों में से मैं 9 फंदे बनाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, 9 फंदे बनाकर अब मैं लास्ट में 5 फंदे उल्टे बनाऊंगी, और लास्ट में मेरे 2 फंदे बचे हैं, इन 2 फंदों को मैं सीधा बना लूँगी। उल्टी सिलाई में फ्रेंड्स हम देखिए पहले जो फंदे मेरे जो इधर मैंने सीधे बनाए हैं, इनको मैं उल्टा बनाऊंगी, और जो फंदे मैंने इधर उल्टे बनाए हैं उनको मैं धागा पीछे करके ये फंदे मैं सीधे बनाऊंगी। देखिए, और आगे के ये 5 फंदे जो मैंने इधर उल्टे बनाए थे, 5 फंदों को मैं सीधा बनाऊंगी, फिर आगे धागा करके जो हमारे ये बीच वाले 9 फंदे हैं इनको मैं ऐसे उल्टा बनाऊंगी। 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये 9। देखिए हमारे 9 फंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मैं इन 5 फंदे जो मैंने इधर उल्टे बनाए थे इनको धागा पीछे करके सीधा बनाऊंगी। ये सिलाई फ्रेंड्स हमने पूरी ऐसे ही निकालनी है। और देखिए जो फंदे जो मेरे 2 गैप के थे, इधर मैंने ये सीधे बनाए थे, अब इधर से मुझे उल्टे दिखाई दे रहे हैं, तो इनको मैं उल्टा बनाऊंगी। ये सिलाई फ्रेंड्स पूरी ऐसे ही निकलेगी। अब मैं इसकी सीधी साइड आ गई हूँ फ्रेंड्स, उल्टी सिलाई निकाल के। अब इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने देखिए पहला फंदा ऐसे किए सीधा बनाना है, फिर आगे धागा करके जो फंदे हमारे ये 5 फंदे उल्टे हैं, इसमें से फ्रेंड्स हमने 4 फंदे उल्टे बनाने हैं। 2 3 4
एक दो तीन चार, चार फंदे उल्टे बनाकर धागा पीछे करेंगे। और यहाँ पर हम देखिए फ्रेंड्स, एक फंदा ये उल्टे वाला लेंगे और एक फंदा हम जो हमने नौ बनाए थे उसमें से पहला फंदा लेकर इन दो फंदों का ऐसे हम एक करेंगे और आगे के सात फंदे हम सीधे बना लेंगे। एक दो तीन चार पाँच छः और एक ये सात, देखिए सात फंदे बनाकर अब इसमें से हमारा ये एक फंदा बच गया है। इस एक फंदे को और एक हम उल्टे वाले को लेकर इस फंदे को ऐसे पलटेंगे और इन दो फंदों का हम यहाँ पर एक कर देंगे। और फिर आगे के चार फंदे हम आगे धागा करके चार फंदे हम ऐसे उल्टे बनाएंगे। फिर धागा पीछे करके देखिए, जो मेरे ये गैप पे दो फंदे हैं, पहले मैंने आगे से बनाया था, अब मैं इसमें से ये पीछे वाला फंदा पहले बनाऊंगी ऐसे सीधा और फिर अब मैं ये आगे वाला फंदा भी सीधा ही बना दूंगी। फिर आगे धागा करके मैं चार फंदे उल्टे बनाऊंगी। फिर धागा पीछे करके एक उल्टा फंदा और एक ये लेकर मैं दो फंदों का एक करूंगी। फिर सात फंदे सीधे बनाऊंगी। अब यहाँ पर मैं इस फंदे को एक को ऐसे पलट कर सीधे वाले फंदे में से ही और एक उल्टे वाला फंदा लेकर इन दो फंदों का मैं ऐसे एक करूँगी। फिर आगे धागा करके चार फंदे उल्टे बनाऊँगी। फिर धागा पीछे करके अब ये गैप वाले फंदों को मैं ऐसे पीछे से लेकर एक फंदे को और एक फंदे में से मैं ऐसे सीधा बना दूँगी दोनों फंदों को, देखिए ऐसे। और फिर आगे धागा करके मैं चार फंदे उल्टे बनाऊंगी। फिर यहाँ पर मैं दो फंदों का एक करूँगी और सात फंदे मैं उल्टे बनाऊंगी। उल्टी सिलाई में भी फ्रेंड्स हमें ऐसे ही करना है, जो फंदा जैसा हमें दिख रहा है। उल्टी सिलाई में फ्रेंड्स हम देखिए, पहले दो फंदे हम ये उल्टे निकाल लेंगे, फिर धागा पीछे करके ये चार फंदे हम सीधे निकाल लेंगे, फिर आगे धागा करके ये फंदे हम उल्टे निकाल लेंगे। ऐसे ही हम ये पूरी सिलाई फ्रेंड्स रिपीट कर लेंगे। फिर धागा पीछे करके ये चार फंदे हम सीधे निकाल लेंगे। उल्टी सिलाई निकाल कर हम सीधी साइड आ गए हैं। सीधी साइड में फ्रेंड्स देख, पहला फंदा हम ऐसे ही सीधा बनाएंगे, फिर आगे धागा करके अब हम यहाँ से तीन फंदे उल्टे बनाएंगे। फिर धागा पीछे करके हम दोबारा यहाँ पर दो का एक करेंगे, एक फंदा ये लेंगे और एक फंदा ये लेकर दो फंदों का हम एक करेंगे। फिर दोबारा हम एक बार और फ्रेंड्स यहाँ पर दो फंदों का ऐसे एक करेंगे, देखिए एक और एक दो, दो फंदे लेकर हम यहाँ पर दो फंदों का एक करेंगे। अब हम आगे धागा करके एक फंदे पर हम ऐसे जाली डाल लेंगे। हम दोबारा यहाँ पर दो फंदों का एक करेंगे, फिर आगे धागा करके इस फंदे को हम ऐसे पलटेंगे और यहाँ पर हम दो फंदों का एक करेंगे और आगे धागा करके एक जाली डाल देंगे। फिर हम दोबारा इस फंदे को ऐसे पलट कर इस फंदे को दो फंदों का हम एक करेंगे। फिर आगे धागा करके तीन फंदे अब हम उल्टे बना लेंगे। फिर धागा पीछे करके ये वाला डिजाइन डालेंगे हम अब की बार हम ये पीछे वाला पहले बुनेंगे ऐसे आगे से और फिर हम दूसरे फंदे को भी ऐसे ही बना लेंगे। फिर आगे धागा करके देखिए, तीन फंदे हम ये उल्टे बनाएंगे और पीछे धागा करके दो फंदों का फ्रेंड्स हम देखिए, एक और एक दो, दो फंदों का यहाँ पर हम ऐसे एक करेंगे। हम दोबारा फिर दो फंदों का एक करेंगे। फिर आगे धागा करके एक फंदे पर हम ऐसे जाली डाल लेंगे, फिर हम दो फंदों का एक करेंगे। फिर आगे धागा करके इस फंदे को हम ऐसे पलटेंगे और यहाँ पर हम दो फंदों का एक करेंगे और यहाँ से हम एक जाली डाल देंगे। अब हम इस फंदे को दोबारा ऐसे पलटेंगे और यहाँ पर हम एक दो फंदों का एक कर देंगे। फिर आगे धागा करके हम तीन फंदे ये उल्टे बनाएंगे।
और ये हम अपने गैप वाला डिजाइन बना लेंगे ऐसे। ये सिलाई फ्रेंड्स पूरी ऐसे ही निकलेगी और उल्टी सिलाई में भी हमने फ्रेंड जो फंदा जैसा दिखाई देगा वैसा ही बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स मैंने उल्टी सिलाई निकाल ली है, अब मैं सीधी साइड आ गई हूँ। सीधी साइड में फ्रेंड्स अब हम देखिए एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर आगे धागा करके जो हमारे ये तीन फंदे उल्टे हैं इनमें से अब हम दो फंदे ही उल्टे बनाएंगे, फिर धागा पीछे करके अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम तीन फंदों का एक करेंगे, एक दो तीन, तीन फंदों का एक करेंगे। इसके लिए फ्रेंड्स देखिए पहले हम ये दो फंदे इस सिलाई में उतार लेंगे, फिर हम ये जो हमारा पीछे वाला फंदा है पहले हम इसे इस सिलाई में डालेंगे और इस फंदे को हम ऐसे इसी सिलाई में आगे लेकर आएंगे और यहाँ पर हम इन तीन फंदों का फ्रेंड्स एक कर देंगे। तीन फंदों का एक करके फिर हम आगे धागा करेंगे, इस एक फंदे पर हम ऐसे जाली डालेंगे, फिर हम आगे धागा करेंगे, यहाँ पर हम इन दो फंदों का एक करेंगे, फिर हम आगे धागा करके इस फंदे पर हम एक जाली डाल देंगे, फिर आगे धागा करके अब हम दोबारा यहाँ पर तीन फंदों का एक करेंगे। जो हमारे बीच वाला फंदा है इसे हम आगे लेकर आएंगे। इसके लिए फ्रेंड्स देखिए हम दो फंदे ऐसे उतार कर पहले हम पीछे वाले फंदे को डालेंगे, फिर इस फंदे को दोबारा हम इसी सिलाई में लाकर तीन फंदों का हम ऐसे एक करेंगे और धागे से हम आगे धागा आगे करके यहाँ पर एक जाली बना देंगे। अब हम आगे धागा करके दो फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर धागा पीछे करके देखिए मेरा ये पैटर्न अब की बार पीछे से बनेगा। इसको पीछे से बना के पहले फंदा पीछे वाला बनाया, अब हम आगे वाले फंदे को भी ऐसे सीधा ही बनाएंगे, फिर आगे धागा करके दो फंदे हम यहाँ पर उल्टे बनाएंगे और तीन फंदों का हम एक करेंगे। पहले हम पहले वाला फंदा डाल लेंगे, फिर ये बीच वाले फंदे को भी इसी सिलाई में आगे की साइड डाल देंगे और धागा पीछे ले जाकर तीन फंदों का हम ऐसे एक कर देंगे। तीन फंदों का एक करके फिर हम आगे धागा करेंगे, इस एक फंदे पर हम ऐसे जाली डालेंगे, फिर आगे धागा करेंगे, इन दो फंदों का फ्रेंड्स हम एक करेंगे और यहाँ पर एक जाली डाल देंगे, फिर आगे धागा करके इस एक फंदे पर हम ऐसे जाली डालेंगे, फिर आगे धागा करके इन तीन फंदों का हम एक करेंगे। इसके लिए हम देखिए दो फंदे इस सिलाई में उतार कर पहले हम आगे वाला फंदा इसमें लेके जाएंगे, फिर ये बीच वाला फंदा हम इस पर लाएंगे और तीन फंदों का हम यहाँ पर ऐसे एक करेंगे और यहाँ पर एक जाली डाल देंगे। देखिए फिर हम दो फंदे उल्टे बनाएंगे, ये सिलाई फ्रेंड्स पूरी ऐसे ही निकलेगी और उल्टी सिलाई फ्रेंड्स हमारी पूरी जो फंदा हमें जैसा दिखाई देगा वैसा ही बनेगा। देखिए फ्रेंड्स ये हमारा पूरा पैटर्न डल गया है, अब हम नई डिब्बी शुरू करेंगे। जैसे हमने पहली सिलाई निकाली थी वैसे ही फ्रेंड हम इसमें सिलाई निकालते हुए डिब्बी स्टार्ट करेंगे। इसके लिए फ्रेंड्स देखिए हम पहले एक फंदा ऐसे सीधा बनाएंगे, फिर आगे धागा करके पांच फंदे हम ये उल्टे बनाएंगे, दो फंदे हमारे ये उल्टे बचे हुए हैं और तीन फंदे हम इसमें से लेंगे। ये हमारे पाँच फंदे उल्टे बन गए, फिर हम जैसे हमारे आगे तीन फंदे हैं इनमें से हम नौ फंदे बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ और एक ये नौ, ऐसे ही बनाते हुए जाएंगे फ्रेंड्स हम ये, तो हमारी ये नई डिब्बी शुरू हो जाएगी। अब हम आगे पांच फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर धागा पीछे करके अब हम अपना ये डिजाइन बनाएंगे। पहले हम इस पीछे वाले फंदे को ऐसे आगे से सीधा बनाएंगे और फिर इस आगे वाले फंदे को भी हम ऐसे सीधा बना देंगे, फिर आगे धागा करके पांच फंदे हम उल्टे बनाएंगे। इस सिलाई में फ्रेंड्स हम अपना नया डिजाइन ऐसे ही शुरू करेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये मैंने नई डिब्बी स्टार्ट कर दी है, इस पैटर्न को आप ऐसे ही रिपीट करते हुए जाइए और देखिए ये बनने के बाद कितना अच्छा लग रहा है। थैंक यू फ्रेंड्स।